नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे नोएडा सेक्टर 52 के 30 प्लॉट्स के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, ये है नोएडा सेक्टर 34 का मेट्रो स्टेशन 34। तो यहाँ से मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पर ये 30 प्लॉट्स हैं। ये देखिए मेन गेट पर मैं पहुँच गया, ये है सेक्टर 52। और यहाँ से हम मेन गेट से एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ए ब्लॉक, यहाँ से देखिए बी ब्लॉक। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा ब्लॉक दिखाने की। अगर हम ब्लॉक वाइज बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 52 में तकरीबन 5 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी ई करके 5 ब्लॉक हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ए ब्लॉक को मैंने विज़िट किया। अब अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अब बी ब्लॉक में मैं एंटर कर चुका हूँ। तो मैं पूरा ब्लॉक आप लोगों को दिखाऊँगा। और अगर हम इस सेक्टर में ब्लॉक वाइज अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 112 मीटर, 162 मीटर, 200, 250, 300, 450, ये हर तरह के साइज़ आपको इस सेक्टर में मिल जाएंगे। अब जो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक्स में अलग अलग साइज़ हैं। तो चलिए एक बार हम ब्लॉक वाइज हम साइज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक में 200, 300 और 450 मीटर के ही प्लॉट्स आपको मिलेंगे। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे, अब देखिए ये मैं जा रहा हूँ अब सी ब्लॉक में, ये राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ से सी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 250 और 450 मीटर के प्लॉट्स आप लोगों को मिलेंगे। और सी ब्लॉक मतलब सी ब्लॉक में आपको मिक्स है, मतलब हर तरह के साइज़ आपको मिल जाएंगे। 112 मीटर भी मिल जाएगा, 162 मीटर, 250 मीटर, 200, 250, 300, 450, मतलब सारे साइज़ इसमें आपको मिल जाएंगे, ये मिक्स है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ये हाउसिंग ग्रुप का है। ई ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 200 और 450 मीटर के प्लॉट आपको मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे सर्कल लेट के बारे में। देखिए छोटा सा ये मार्केट है, ये बी ब्लॉक जैसे क्रॉस करेंगे तो ये छोटा सा मार्केट है, यानी कि आप कुछ भी सामान वामान ईजिली ख़रीद सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बी ब्लॉक है, ये देखिए एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, मतलब कि बच्चों को तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक पब्लिक स्कूल है, आदर्श पब्लिक स्कूल। तो यानी कि इस सेक्टर में अगर आप हैं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ईज़िली आप पढ़ा सकते हैं। तो ये बी ब्लॉक के अंदर ही है। और जो ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में आपको पार्क ज़रूर मिलेगा। जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे 5 ब्लॉक हैं तो 5 ब्लॉक में एक पार्क ज़रूर है। तो मैंने पार्क आप लोगों को दिखाया भी, ये देखिए जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था ये वही है, ये वो इंस्टीट्यूट है। और इसी के जस्ट बगल में सेम ब्लॉक में, ये बी ब्लॉक में है, सामने आपको आदर्श पब्लिक स्कूल दिख जाएगा, ये जस्ट सामने उसके पार्क है ये, और ये है आदर्श पब्लिक स्कूल। अभी लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम एक बार अब सर्कल लेट की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सर्कल लेट की बात करें तो 1,03,000 रुपये इस समय सर्कल लेट है। ये है 12 मीटर के रोड पर। अगर हम वही 18 मीटर के रोड पर जाते हैं तो आपको 1,09,000 रुपये आएगा। और अगर हम 24 मीटर से ऊपर जाते हैं तो 1,14,000 रुपये से लेके 1,19,000 रुपये तक के सर्कल लेट हैं। ये लेटेस्ट 2022 का सर्कल लेट है। अब हम रेट की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें तो आज के टाइम पर आप किसी के थ्रू भी जाएं, डायरेक्टली आप ओनर के थ्रू जाते हैं या आप किसी डीलर के थ्रू जाते हैं, आप यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स देखेंगे सारे रीसेल में ही आप लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पर जो रेट है इस समय 1,50,000 रुपये है, यानी कि 1,50,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आज के टाइम पर रेट चल रहे हैं। इससे नीचे यहाँ पर रेट है ही नहीं। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो यहाँ पर 1,30,000, 40,000, 45,000 इस तरीके के रेट हुआ करते थे, आज के टाइम पर 1,50,000 तक के रेट यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो
मैंने लगभग लगभग पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ को कवर करूँ, और मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाया, लोकेशन भी दिखाया, पूरा सेक्टर मैंने आप लोगों को विज़िट कराया, ए बी सी डी मैंने पूरा सेक्टर्स को आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। पार्क वाइज भी मैंने दिखाया है कि हर एक सेक्टर्स में ब्लॉक में पार्क है कि नहीं है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। लगभग मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँ, और आप लोगों ने देखा भी है। अगर इससे भी अधिक आप लोगों को अगर कुछ पूछना है या जानकारी लेना है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी एक बार आप लोग देख सकते हैं, ये अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो ये सी ब्लॉक है। तो ये देखिए, ये 12 मीटर के रोड पे हैं, और जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो पार्क है। ये तो सी ब्लॉक को मैं विजिट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ से ये हम अब बाहर निकलेंगे। तो मैं जब मेन गेट से एंटर करा था, और अभी जस्ट बैक साइड के गेट से मैं एग्ज़िट करूँगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कहाँ से कहाँ कैसे जा सकते हैं। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन 34 है, और 51-52 दोनों नज़दीक हैं, लेकिन अगर सबसे नज़दीक दिखा जाए तो आपको 34 ही मिलेगा। नोएडा सिटी सेंटर मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर सुपरमार्केट, आपको मॉल, सब कुछ यहाँ पर नज़दीक में ही मिलेंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सेक्टर बहुत अच्छा है। आप रहने के पर्पस से अगर आप देख रहे हैं तो आके विज़िट करके देख सकते हैं। मेरे तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है, आप डायरेक्टली भी किसी के थ्रू जाके बात करके आप देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए पीछे के गेट से जो एग्ज़िट मैंने किया है, तो ये देखिए ग्रीन बेल्ट था, सर्विस लेन है ये, और ये मेन रोड है। तो सर्विस लेन से मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ, आप देखेंगे तो मेन गेट होगा। तो चलिए एक बार हम मेन गेट की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने जस्ट पुलिस चौकी है, मेन गेट के जस्ट सामने पुलिस चौकी है, ये पुलिस चौकी है, और ये जस्ट सामने यहाँ पर मेन गेट था, इसी के रास्ते मैंने एंटर करा था। तो ये तो रहा इस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।